अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। रियासत की सियासत और बदलती तस्वीर, इस पर आज का तस्करा समझिए। कर्नाटक का नाटक वैसे तो पहले से ही काफ़ी मशहूर है। हर 5 साल में कुछ न कुछ नया कर्नाटक में देखने को मिलता ही है। एक बार फिर सियासी मंजरनामा बदलता देखा जा रहा है, क्योंकि बेंगलोर की सियासत का सीधा असर बेलगाम की सियासत और बेलगाम से सीधे रियासत की सियासत पर असर देखा जाता है। सबसे पहली तस्वीर अगर आज की देखी जाए तो बेंगलोर में सीएम इब्राहिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस की नाराजगी का इजहार किया और कांग्रेस से बाहर निकल जाने का भी अपना फैसला सुनाया और कांग्रेस पर खुलकर हमलावर हुए। हासिल इत्तला के साथ विधानसभा काउंसिल अपोजिशन लीडर का औहदा सीएम इब्राहिम को मिलने वाला था, जिसके लिए वो ख्वाहिशमंद थे, लेकिन कांग्रेस के आलाकमान ने बजाय सीएम इब्राहिम के बीके हरिप्रसाद को दिया गया। वैसे भी पिछले कुछ अरसे से सीएम इब्राहिम कांग्रेस से कुछ नाराज थे और ये नाराजगी भी यकीनन अपनी अहमियत को जाहिर करने के लिए थी। सीएम इब्राहिम एक बुजुर्ग कांग्रेस कायद है, इन्हें काफ़ी तजर्बा भी है, लेकिन इन्होंने पिछले कुछ अरसे से जो दूरियां कांग्रेस से अख्तियार की थी, शायद अपनी अहमियत को इस तरह वाजा करना चाहते थे, लेकिन आज इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। इत्तला के मुताबिक सिद्धरामैया ने तो हिमायत की थी, लेकिन डीके सुकुमार ने बीके हरिप्रसाद की हिमायत की और इन्हें ही आखिर में अपोजिशन लीडर बनाया गया। इससे पहले भी कई मरतबा सीएम इब्राहिम पर कांग्रेस पार्टी छोड़ने की अफवाहें गश्त करती रही, यहाँ तक के यमायम में भी दाखिल होने की बात कही गई थी, लिहाजा इसका इनकार बाद में खुद सीएम इब्राहिम ने किया। खैर, अब एक खबर हासिल हुई है कि कांग्रेस से निकलकर जेडीएस में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं। वैसे भी भाजपा और कांग्रेस में अक्सर लीडर जेडीएस से ही निकलकर भाजपा में आए। आखिर जेडीएस में जाने का फैसला सीएम इब्राहिम ने क्यों लिया, इसकी एक और अहम वजह यह भी है कि बेलगाम जिले के रमेश जारकीहोली भी भाजपा से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी वजारत नहीं दी गई। उमेश कत्ती और अनिल बेनके, करजोल, लक्ष्मण सऊदी और भी दिगर भाजपाई रमेश जारकीहोली मुखालिफ होने की बात कही जा रही है। जाहिर है इसी का नतीजा था कि इन्हें उमेश कत्ती के घर में जो मीटिंग बुलाई गई थी, इसमें जारकीहोली के किसी भी भाई को नहीं बुलाया गया, यानी कि रमेश जारकीहोली और भालचंद्र जारकीहोली इसमें दावत नहीं दी गई थी। खुद वजीर आला बम्बई भी रमेश जारकीहोली की तरह गैर जिम्मेदारा बयान मैं नहीं देता ऐसा खुलेआम कह रहे हैं। इसका मतलब रमेश जारकीहोली के खिलाफ भाजपा में महाज खुल चुका है। जाहिर है तमाम जारकीहोली भाई अपना सियासी वजूद बरकरार रखने की कोशिश में लगे हुए। आज लखन जारकीहोली ने रमेश जारकीहोली की हिमायत में बात करते हुए कहा कि 16 नहीं 20 MLAs को भाजपा में रमेश जारकीहोली लाने की ताकत रखते हैं, इसलिए कि रमेश जारकीहोली ने हाल ही में 16 MLAs को भाजपा में कांग्रेस से निकालकर ला सकता हूं ऐसा कहा था। आज गोकाक में साफियों से बात करते हुए कांग्रेस का सतीश जारकीहोली ने कहा कि लखन और रमेश जारकीहोली कांग्रेस में नहीं आएंगे बल्कि भाजपा में ही रहेंगे, और लखन जारकीहोली को तो कॉरपोरेशन लेवल के वो सियासत करते हैं ऐसा भी कहा। खैर, रमेश जारकीहोली और लखन जारकीहोली दोनों भाजपा के ही हैं ऐसा सतीश जारकीहोली शायद कहना चाहते हैं। इधर खुद रमेश जारकीहोली RSS की हिमायत, भाजपा की हिमायत के साथ खुद को बड़े वफादार भाजपाई साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोगों में इन पर भरोसा नजर नहीं आ रहा और वो खुद भी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस तरह का नाटक करने पर मजबूर है। लिहाजा जाहिर में भले ही जारकीहोली भाइयों ने कुछ भी कहा हो, लेकिन भाजपा से किनारा करने की पार्टी की पॉलिसी को भी लखन जारकीहोली, भालचंद्र जारकीहोली और रमेश जारकीहोली महसूस कर रहे हैं। अपने कुछ हिमायतों के साथ रमेश जारकीहोली जेडीएस में दाखिल हो सकते हैं ऐसी भी इत्तला और चर्चा पूरे जिले सतह पर जोरों पर है। सियासी इंतखाबात 1 साल के अरसे पर है और बहुत सारी तब्दीलियां होने जा रही है ऐसा माहिरीन का कहना है। कांग्रेस हुकूमत बना सकती है, लेकिन जैसे कुमार स्वामी ने पहले ही कहा था कि 2023 में मैं असल सियासत दिखाऊंगा, और आज भी उन्होंने फिर से हुकूमत में आने की बात कही और अपने आप को किंग मेकर साबित करने की भी कोशिश की। आज उन्होंने इजलास के जरिए से यही साबित करने की कोशिश की है। कहीं फिर से अगर किंग मेकर बनती है तो इसके लिए कौन वो लोग होंगे जो हुकूमत बनाने में साझेदारी इख्तियार करेंगे। जिलाई वजारत रमेश जारकीहोली को मिल जाए, इसकी कोशिश तो खुद रमेश जारकीहोली ने दिल्ली दरबार में हाजिर लगाई थी और RSS के लीडरों का भी आशीर्वाद लिया था, लेकिन इनके आशीर्वाद का कुछ भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वजारत ना मिला इसके लिए भी काफी लोगों ने जोर लगाया था। लिहाजा किसी तरह रमेश जारकीहोली को बाहर ही रखा गया। इस बात पर कुछ लोग अड़े हुए थे, और जब से कांग्रेस हुकूमत को गिराकर भाजपा की सरकार बनाई थी, रमेश जारकीहोली का बढ़ता तसल्लुत भी कईयों को चुभ रहा था। जाहिर है सीडी मामले ने तमाम मसलों को ही हल कर दिया। खैर, अब भाजपा में जो 17 लोग कांग्रेस से जेडीएस में गए थे, कुछ लोगों के रबते में अब भी रमेश जारकीहोली होने की बात कही जा रही है। लिहाजा जेडीएस का आने वाला चुनाव में अहम किरदार होगा ऐसा कहा जा रहा है, और वैसे भी जेडीएस के मुखिया कुमार स्वामी को हर हाल में इख्तदार हासिल करने की भूख होती है।
ऐसा अक्सर कहा जाता है, फिर कांग्रेस हो या भाजपा, किसी से भी कुमार स्वामी हाथ मिला सकते हैं। सीएम इब्राहिम क्यों कांग्रेस से नाराजगी और जेडीएस की राह तैयार करने के साथ क्या रमेश जारकिहोली भी जेडीएस में जा सकते हैं कि चर्चा जोरों पर है? वैसे भी इन दोनों को यही एक राह है, यही एक रास्ता बचा हुआ है, शायद इसी राह पर चलकर अपने सियासी मुस्तकबिल को ये लोग बचा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लिहाजा जरूरत है कि भाजपा या कांग्रेस को अक्सरियत हासिल ना हो और जेडीएस किंग मेकर का रोल अदा करे, वरना तो इनका जेडीएस में दाखिल होना भी कुछ फायदेमंद न साबित होगा। भाजपा कायदों की फहश हरकतों की अपनी तारीख रही है। इससे पहले भी कई लीडरों की सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों के साथ अय्याशी करते हुए देखा गया। लिहाजा एक और भाजपा लीडर ने गोवा चुनाव तस्वीर के लिए जाकर अपनी ही खुद की नंगी तस्वीर भाजपा रियासती व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की, जिससे एक बार फिर जिल्लत का शिकार होना पड़ रहा है। खैर, कईयों ने इस खबर को मीडिया में आने से रोकने की कोशिश की, इसके बावजूद भी कई सारे न्यूज चैनल में भी इस खबर को चलाया गया। भाजपाइयों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है, शशिकांत पाटिल नामी लीडर की सरकत को मीडिया ने भी इसे मंजर आम पर लाया। वजह है कि रियासती सतह के भाजपा खातून लीडरान भी इस ग्रुप में शामिल है, जिससे इस पर बहस जारी है। भाजपा की जानिब से अब तक कोई खास बयान नहीं दिए गए, लेकिन शशिकांत पाटिल ने खुद ही अपने जिस्म के हिस्से को सोशल मीडिया पर अपलोड करने से हंगामा जरूर हुआ है। कल पूरे मुल्क में यौम जमहूरिया मनाया गया। संविधान आईने हिंद को जिस दिन लागू किया गया और जिस शख्स ने इस संविधान को लिखा था, उस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से ही कुछ लोग क्या नफरत करने लगे हैं, ऐसा सवाल पूछने पर मजबूर होते दिखाई दे रहे। क्या माशरे में अब बाबा साहेब अम्बेडकर की भी मुखालफत की जा रही है? और धीरे धीरे ऐसा कहा जा रहा है कि फैसिस्ट ताकतें मुल्क में बढ़ती जा रही हैं। कल हमने शहर के मुख्तलिफ जगहों पर इस महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को नहीं देखा। क्या यह महज इत्तफाक हो सकता है या साजिश? क्योंकि सिर्फ महात्मा गांधी जी की तस्वीर देखी गई और एक जगह पे महात्मा गांधी जी के साथ संगोली रायन्ना की तस्वीर भी देखी गई, लेकिन जो खबर रायचूर से हासिल हुई है, इससे ऐसा लग रहा है कि महज गांधी जी की तस्वीर को लगाकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को हटाना ये भी साजिश का हिस्सा हो सकता है क्या, ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया गया। आज बेलगाम डीसी को दलित तंजीमों की जानिब से मुतालबा पेश करते हुए कहा कि सेशन जज मल्लिकार्जुन गौड़ा पर कार्रवाई की जाए। हासिल इत्तला के मुताबिक सेशन जज मल्लिकार्जुन गौड़ा ने तिरंगा परचम लहराने से पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को गांधी जी की तस्वीर के पीछे जानबूझकर रखने का इल्जाम लगाया गया, लेकिन मल्लिकार्जुन गौड़ा ने इसका इनकार किया। लिहाजा पूरी रियासत में मुख्तलिफ जगहों पर जानबूझकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर न लगाने को मनुवादियों की साजिश करा दिया, लेकिन इंतजामिया ने इस पर इनकार का इजहार किया है। ఎవరికి బేక్ లేదు వాళ్ళు తీసారే, ఎవరికి బేక్ ఉండదు వాళ్ళు పెడతారు. మరిపోతే మరి మాట్లాడింది వరది మార్ర పిల్ల, యాకంద్రె సర్కార డీజే మేలే ఒందో ఇదు బాబా సాహెబ్ అంబేడ్కర్ అవును అవమాన మాడిదంత రాయచూర్ జిల్లా న్యాయాధీశరికి ధికారా ధికారా ఎక్కే బెక్కు న్యాయ బెక్కు ఎక్కే బెక్కు న్యాయ బెక్కు రాయచూర్ జిల్లా న్యాయాధీశరికి ధికారా ధికారా ఆజ్ बेळगाव जिल्ह्याच्या वतीनं कर्नाटक दलित युवा संघटनेच्या माध्यमातून माननीय जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालय ह्यांना एक या ठिकाणी मी निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत। काल 26 जानेवारी संविधान दिवस असल्याकारणानं
संविधान दिलेले महामानव डॉक्टर बाबा आंबेडकर यांच्या भावचित्राला मालार्पण करण्यासाठी लोकांनी विनंती करत असताना रायचूर जिल्ह्याचे उच्च न्यायाधीश यांनी जोपर्यंत बाबासाहेबांचं फोटो काढत नाही तोपर्यंत मी ह्या कार्यक्रमाला हजर राहणार नाही असं वक्तव्य केल्याबद्दल आम्ही बेळगाव जिल्ह्याच्या वतीनं त्यांचा या ठिकाणी निषेध प्रथमतः करतो. ह्या अशा हरामखोर न्यायाधीशांनी बाबासाहेबांच्याबद्दल वक्तव्य करणं हा मुळात चुकीचं आहे, कारण ज्या बाबासाहेबांनी जे घटना दिली त्या घटनेच्या माध्यमातून हा हरामखोर हा उच्च पदापर्यंत जाऊन पोचतो आहे आणि त्याच महामानवाचा त्या ठिकाणी त्यांचा तिथं तो निषेध करतो आहे. तर अशा ह्या न्यायाधीशाला माननीय कर्नाटक सरकार व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांनी त्यांच्यावरील कठोर कारवाई करून आमच्या ह्या समाजाला व देशाच्या जनतेला न्याय मिळून द्यावा. अन्यथा येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही बेळगावच्या वतीनं व राज्याच्या वतीनं ज्या ठिकाणी ह्या घटना घडलेल्या आहे त्या रायचूर जिल्ह्यामध्ये जाऊन त्या न्यायाधीशाचा आम्ही ह्या ठिकाणी निषेध करण्याला समर्थक आहोत. कर्नाटक दलित युवा संघटने बेळगाव वतीनं नाविवत्तो मान्य जिल्हाधिकारी मुखांतर मान्य मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय बेंगळूरु ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜನವರಿ 26 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ಏನು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂತಹ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಆ ಏನು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹದ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 26 जनवरी जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर मुख्तलिफ जगहों पर तिरंगा परचम लहरा गया, हुब्बुल वतनी के गीत गाए गए और मिठाइयां भी तकसीम की गई. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. देखते रहे इत्तेहाद. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.